नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जरा हटके। दोस्तों, नहीं करना चाहिए इन चीजों का दान, वरना हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान। दान देने से व्यक्ति को जिंदगी से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, लेकिन कई बार इंसान ना समझी या भूल से ऐसी वस्तुओं का दान कर देता है जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। इन वस्तुओं का दान आपके लिए पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं कौन सी वे वस्तुएं हैं और उनका दान करने पर आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्लास्टिक की चीजें। आजकल प्लास्टिक की कई चीजें प्रयोग की जाती हैं। उन चीजों को खुद खरीदा जाए तो ठीक, लेकिन किसी को दान करना अच्छा नहीं माना जाता। इससे नुकसान होता है घर की तरक्की और बिजनेस के लिए, यह अशुभ माना जाता है। झाड़ू दान करना भी अशुभ फलदायक माना जाता है, इससे घर में पैसा नहीं टिकता। झाड़ू दान देने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, बिजनेस में नुकसान होता है और सेविंग खत्म होने लगती है। स्टील के बर्तन। शास्त्रों में कहीं भी स्टील का दान करने का उल्लेख नहीं है। स्टील से बनी किसी भी वस्तु का दान करने से आपको बचना चाहिए। स्टील का दान करने से घर की सुख शांति खत्म होती है, साथ ही दान देने वाले के संबंध भी बुरे होने लगते हैं। पहने हुए कपड़े। किसी पंडित या संपन्न व्यक्ति को पुराने कपड़ों का दान देना अशुभ माना जाता है। हालांकि किसी जरूरतमंद को यह पुराने कपड़े दे सकते हैं, लेकिन दान के रूप में नहीं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी आपसे रूठ सकती हैं और आपको पैसों की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। खराब या उपयोग किया गया तेल। तेल दान करना शनि की शांति के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन खराब या उपयोग किया गया तेल दान करना अशुभ फलों को कारण बनता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होने की बजाय नाराज होते हैं। घर में कलेश बढ़ता है और कोई विपत्ति आपके ऊपर आ सकती है। बासी खाना। ताजा खाना दान करना अच्छा माना जाता है, लेकिन बासी खाना दान करना अशुभ माना जाता है। बासी या खराब खाना दान देने से घर के सदस्य बीमार होने लगते हैं, विवाद और कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होने लगता है। फटे पुराने ग्रंथ या कॉपी किताब या धार्मिक ग्रंथों का दान करना अच्छा होता है, लेकिन वे फटे हुए हो तो फिर उनका दान करने से आपको बचना चाहिए। फटे हुए ग्रंथ या पुस्तकें दान करने से कामों में रुकावटें आने लगती हैं। दान देने वाला गलत फैसले लेने लगता है। धारदार या नुकीले चीजें। धारदार या नुकीली वस्तुएं जैसे पेन नाइफ, चाकू, कैंची, तलवार आदि दान देना आपके लिए बैड लक का कारण बन सकता है। ऐसा करना परिवार की सुख शांति को भंग करता है, घर के लोगों के बीच तनाव बढ़ाता है और संबंधों में दरार आती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें आपको दान नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आप किससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।